से जानकारी हुई है कि ये कार्यक्रम होली के उपलक्ष्य में रखा गया है। बुरा ना मानो, होली है। तो भाई सरबीर जी, पहला गीत मेरी ओर से जो होली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, तो चाह रही हूँ कि होली का ही गीत हो जाए। तो भैया सबीर जी, जी, और ये हमारे कीर्तन की एक परंपरा चली आ रही है कि हम लोगों को सबसे पहले फिल्मी तर्ज गानी पड़ती है। और क्या बच्चे, पहले फिल्मी इसके बाद इल्मी। तो एक बड़ा ही प्यारा टुकड़ा फिल्म दुनिया वालों ने गाया है, आदरणीय सबीर भैया जी सुनेगा। सुनिए जाइए कृपया। आदरणीय भैया श्री सुरेंद्र भैया जी, आपके कार्यक्रमों से 101 पद मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। आइए लता, ये गुप्त दान है, गुप्त दान महाकल्याण। मैं ईद में आया था, तू होली में चला। वाह सबीर भैया, भैया मैं ईद में आया था, तू होली में चला। अरे घूमता हुआ तू मेरी
बड़ा झूमता तू मेरी टोली में चला क्योंकि हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते तो फिर हम ना होते समझो तुम ना होते तुम ना होते हम ना होते तो फिर कोई गम ना होते केशव टेंट बालामऊ राजू भैया ना ये 51 तक मुद्राएं हैं मेरे उसे ढेर सारा धन्यवाद है स्वागत है सुनेगा सुनिए आपको ये होली क्यों मनाई जाती है क्यों और होली कब से मनाई जा रही है ये बात है आदरणीय सफीर भैया तब सन नहीं चलता था बेटा होली कब से मनाना शुरू हुए कब से जरा सुनिएगा सुनिए भक्त प्रहलाद भगवान की तपस्या कर रहा है जय हो भगवान नाम चिंतन करता रहता है ये राक्षसी वंश को अच्छा नहीं लगता राक्षस प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने लाख समझाया लेकिन प्रहलाद नहीं माने आदमी समीर भैया गीत को सुनेगा सुनिए कि अगर जो भक्ति का दोध न होता अगर प्रहलाद को भक्ति का बोध ना होता भक्ति का ज्ञान ना होता तो अगर जो भक्ति का बोध ना होता पिता और पुत्र में ना होता अगर जो भक्ति का बोध ना होता पिता और पुत्र जब द्रोह हुआ तो लाख लाख कोशिशों की प्रहलाद को खत्म करने की लेकिन विधि ने सुना रोध न होता सलामत मौत की गोद न होता कश्यप ने अपनी बहन को बुलाया उसे वरदान है कि वो अग्नि में नहीं जलेगी प्रहलाद को उसकी गोद में बैठा दिया भैया जी तो बुआ तो जल गई भतीजा बच गया समझो समझो बुआ का हाल बुरा हुआ सुनेगा सलामत मौत की गोद न होता बुआ प्रहलाद की बुआ प्रहलाद की होली न होती समीर भैया दूसरा कारण सुनिएगा सुनिए भगवान भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे हुए हैं बेटाओं ने कांदे से कहा हे कांदे आप जाइए और भोलेनाथ की समाधि भंग करिएगा इंद्र ने कहा कांदे से के मित्र
मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ। कामदेव ने कहा कि मित्र मुझे जाते हुए तो देख लोगे, पर आते हुए नहीं देख पाओगे। कामदेव भोलेनाथ ने काम जगाने का प्रयास किया तो काम का हाल क्या हुआ सुनेगा। क्या बात है? जगाता जो सिंह जगाता जो सिंह काम न होता, कभी काम देव का काम न होता। काम देव को भस्म कर दिया भैया जी, तब से रती की भरी सिंह ने रति भोलेनाथ के चरणों में आई। भोलेनाथ जय हो, ये क्या कर दिया आपने, तो काम को भस्म कर दिया। जब काम ही नहीं रहेगा तो ये संसार कैसे चलेगा? और क्या, भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया कि जाओ रति, तुम्हारा पति रहेगा लेकिन शारीरिक रूप से नहीं, वो अनंग रूप में रहेगा। रति की भरी शिव ने झोली न होती, पुनः सुनी मांग में रोली न होती। होली का न होती, होली का होली का न होती, तो होली का होती, होली का न होती, होली का होती। आखिर तो मैं सुनेगा भेजिए, सभी लोग होली मनाते हैं। भाई गौतम जी क्या क्या कहेंगे? और क्या क्या फिर से भैया हमारे राजेश गौतम जी, क्या बात है गौतम, अब 25 पद मुद्राएं हैं। और क्या, जो वही गौतम है जो हंस को बचा लिया था इन्होंने। राजेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेगा सुनिए, निकली जो ग्वालों की, निकली जो ग्वालों की टोली न होती, भीगी चूनल वो चोली न होती। यदि जो आपस में, यदि जो आपस में ठिठोली न होती, कभी लठ मार की होली न होती। रंगों की होली, फूलों की होली, लेकिन वृंदावन में मनाई जा रही है लठ मार होली। भैया जी, उठी पूतना की ओ, उधर बुआ और इधर पूतना मौसी आ गई। मौसी मौसी, उठी पूतना की डोली न होती, हरी रंगों की रंगोली न होती, होलिका न होती।
मैं ये उसे पहला चक रहा है, क्योंकि जवाबी की एक विधा है कि पहले चक्र में भगवती का आवाहन और एक सवाल होता है, तो मेरी उसे ये सवालिया रूपी गीत रहा है। और अपने सुंदर से चक्र को लेकर के भैया हमारे सतबीर भैया जी आ रहे हैं, आइए स्वागत है। और आज पहली बार भैया जी से मुलाकात है, तो आइए सतबीर भैया, मुझे लगता है कि काफी आनंद आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा।